प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी को विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के दौरान विश्व की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कर दिया और साथ ही 9 दिन के विक्रमोत्सव कार्यक्रम का ऐलान करते हुए विकास और विरासत को साथ लेकर चलने की बात कही है। इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। अब जरा इस वैदिक घड़ी के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को वैदिक घड़ी के रूप में एक खास तोहफा मिल गया है। ये विश्व में अपनी तरह की पहली घड़ी है। भारत में सदियों पुराना इसका इतिहास है। 1906 से पहले समय की गणना के लिए इसी वैदिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद भारतीय मानक समय आ गया। उज्जैन के जीवाजी वेधशाला के पास जंतर मंतर में 85 फीट ऊंचे टावर पर एक अनूठी वैदिक घड़ी लगाई गई है। ये घड़ी ग्रीनविच मीन टाइम के साथ साथ पारंपरिक भारतीय मुहूर्त प्रदर्शित करेगी। विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने कहा है कि ये देश की पहली ऐसी घड़ी है। इसके अलावा उन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनते हैं। ग्रीनविच पद्धति में और जीएमटी पद्धति में दिन बदलता नहीं है, लेकिन उन्होंने रात को 12 बजे ये मान लिया कि दिन बदल गया है। पर सारी दुनिया जानती है कि दिन तो बदला ही नहीं है। भारतीय पद्धति जो सूर्योदय से पर आधारित है, सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त से फिर सूर्योदय के बीच में जो समय है, इसको ही घटी पल मुहूर्त आदि में विभाजित किया गया है। तो इस घड़ी में लगभग 48 मिनट का मुहूर्त होगा, घटी होगी, जिसके आधार पर गणना चालू रहेगी। इस हमारे एक दिन में 30 घंटे 30 मिनट और 30 सेकंड होते हैं, जिसको प्राचीन समय पे मुहूर्त काल और कास्था कहा जाता था। ये जो समय है ये मैकेनिकल तरीके से नहीं चलता कि रात के 12 बजे से 12 बजे तक चले, ये सूर्य के आधार पर चलता है। तो जब आज सूर्योदय होगा और जब कल का सूर्योदय होगा, इस कालखंड को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया जाता है। और हमारे कैलेंडर का भी आधार यही होता है कि जब सूर्य की पूरी परिक्रमा पृथ्वी करती है तब हमारा एक वर्ष होता है। वैदिक होते हुए भी आम घड़ियों की तरह इस घड़ी में सुई नहीं बल्कि ये घड़ी डिजिटल है। इस घड़ी में पंचांग और मुहूर्त की भी पूरी जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं इस वैदिक घड़ी की खास बात क्या है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का एक घंटा 60 नहीं बल्कि 48 मिनट के बराबर होगा। ये घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम की जानकारी तो देगी ही, लेकिन साथ साथ मुहूर्त, ग्रहण, तिथि, शुभ मुहूर्त, पर्व, व्रत, तीज त्योहार, सूर्य और चंद्र ग्रहण समेत कई और जानकारियां हासिल कराएगी। दुनिया में आज तक ऐसी घड़ी कभी नहीं बनी। उज्जैन में इस घड़ी का निर्माण 85 फीट के टावर पर किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी एक ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को IIT दिल्ली के छात्रों ने बनाया है। ये घड़ी मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कराएगी। इसका निर्माण मुख्यमंत्री मोहन यादव के विधायक रहते ही शुरू कर दिया गया था। सभी घड़ियों की तरह इस वैदिक घड़ी में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे की टाइमिंग होगी। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इंटरनेट और GPS से जुड़ी हुई है। वहीं इस घड़ी की ऐप को हर कोई डाउनलोड कर सकता है। वॉच टावर पर एक टेलीस्कोप भी लगाया गया है। इस घड़ी की एक और बड़ी खासियत है जो इसे सबसे यूनिक बनाती है। ये वैदिक घड़ी भारत के सभी प्रमुख मंदिरों से जुड़ी है।
ऐसे में इस घड़ी के उद्घाटन के बाद दुनिया को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल चुका है। वैदिक घड़ी का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी बताती है।